को देखते हुए आजमगढ़ में एसपी के नेतृत्व में पुलिस की तरफ से बैंक मॉल सराफा बाजार संदिग्ध वाहन व मास्क की सघन चेकिंग की गई। एसपी ने बताया कि सूचनाओं पर काम कर रहे हैं। आजमगढ़ हमेशा से संवेदनशील रहा है और जब भी कोई घटना हुई है स्लीपिंग मॉड्यूल यहाँ रहा है, जो भी इनपुट से उस पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस से 72 घंटे पहले भी बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, होटलों की सघन चेकिंग करेंगे। एसपी सुधीर कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने शहर कोतवाली से निकलकर घनी आबादी के इलाकों की चेकिंग की। आगामी स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए बैंक मॉल सराफा बाजार संदिग्ध वाहन व मास्क की सघन चेकिंग की गई। कई मॉल में सीसीटीवी कैमरा कार्य नहीं कर रहा था, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने संबंधित जिम्मेदार को सीसीटीवी ठीक कराने का निर्देश दिया। पुलिस अधीक्षक ने महिला अस्पताल में कोरोना का टीका लगवाने वाले लाभार्थी को कोविड के नियम का पालन करने के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली द्वारा महिला अस्पताल से पहाड़पुर चौकी तक फुट पेट्रोलिंग की गई। आजमगढ़ से रत्न प्रकाश त्रिपाठी की।